टॉपिक है टेलीप्राम में डेटा ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, ये यूँ कहें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करेंगे टेलीप्राम में। तो सबसे पहले डिस्प्ले एंड रिपोर्ट्स में आएंगे, उसके बाद स्टैटिक्स में चले जाएंगे। जो भी डेटा आपको ट्रांसफ़र करना है, मान लीजिए ग्रुप करना है, लेजर करना है, या स्टॉक ग्रुप करना है, या स्टॉक कैटेगरी करना है, स्टॉक आइटम करना है, ठीक है। मान लीजिए मुझे स्टॉक आइटम करना है, तो हम देन इंटर मार देंगे, उसके बाद अल्ट ई प्रेस करेंगे। अल्ट ई प्रेस करने के बाद करेंट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन शो कर रही है, एक कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के बाद मास्टर डॉट एक्सएमएल में जाना है, यहाँ पे कोई भी नाम आपको दे देना है। मान लीजिए हम दे देते हैं हिना हिना डॉट एक्स एम एल, इंटर। ये ऑलरेडी बता रहा है, ये नाम ऑलरेडी बता रहा है। यहाँ पे आकर के हम नेम चेंज करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए लैपी लिख देते हैं, लैपटॉप को शॉर्ट में लैपी बोलते हैं। तो डॉट एक्स एम एल, इंटर। उसके बाद बैक हो जाएंगे, उसके बाद सेंड में जाएंगे। उसके नाम को फाइंड आउट करेंगे, जैसे ये मेरा लैपी रहा, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जा करके कहीं भी इसको पेस्ट कर देंगे। आ गया, इसको कट करना है, उसके बाद बैक आ जाना है। उसके बाद क्या करना है, न्यू कंपनी क्रिएट करना है, तो ऑल्ट F3 करेंगे, कंपनी का नाम है जेड ब्लैक। जेड ब्लैक है, ये कहाँ पे है, मान लीजिए कॉलेज रोड में है। कॉलेज रोड किसके अंतर्गत आता है, मधुपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ पे स्टेट सेट कर लेना है, पिन कोड दे देना है तो फ़ोन नंबर दे सकते हैं, नहीं तो इंटर इंटर इंटर। मेरा कंपनी बन गया, देख सकते हैं जेड ब्लैक। उसके बाद अल्ट ओ प्रेस करेंगे, मास्टर ऑप्शन में जाएंगे। मेरा क्या था, फाइल नेम था लैपी, इसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे लैपी लिखा हुआ है, इस पर इंटर दबाएंगे, फिर ये देखिए हो गया, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि मेरा जेड ब्लैक में डेटा ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं, तो चेक करने के लिए अल्टर में जाना होगा, स्टॉक आइटम में जाना होगा। देख सकते हैं कि मेरा सारा डेटा जो टाटा कंपनी में थी, अब वो जेड ब्लैक में आ चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए।